हाय फ्रेंड्स, एक और स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बारे में। ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो कि बेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का जो कंप्यूटर यूज करना चाहिए, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप यूज करना चाहिए, लैपटॉप यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सब है जो कि आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद है जो कि इसी से रिलेटिव है, जो कि आप लोग का कुछ कमेंट था जो कि कोरल ड्रा ये सब यूज कंप्यूटर में हो रहा है नहीं हो रहा, काफ़ी दिक्कत हो रहा है, तो ये सब है जो कि आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा कंप्यूटर है जो कि ग्राफिक डिजाइनर को लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग दो कैटेगरी यहाँ पे इसको हम बांटते हैं। एक हम लोग लेकर के चलते हैं ग्राफिक डिजाइनर को, एक हम लोग लेकर के चलते हैं सीटीपी ऑपरेटर को। ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए है जो कि काम दोनों का अलग अलग है। जो भी आप सिस्टम यूज करते हैं उसमें आपको सबसे पहले जो कि आपको ये चीज ध्यान देना है कि आपका लैपटॉप या पीसी कहीं पर भी अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे जो कि आपको कोरल और या आपका सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 64 बिट यूज करना चाहिए। ठीक है, वो आपको दोनों के लिए हो जाएगा क्योंकि 64 बिट है जो कि दोनों में बेस्ट होता है। और 32 बिट में जो कि काफी कोरल में जो कि दिक्कत होता है, और 32 बिट जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो कि उतना सक्सेस नहीं रहता, वो सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि उसको कमांड करता है, उसको जो कि कैरी कर, इसीलिए जो कि 32 बिट का यूज किया जाता है। ज़्यादातर लोग है जो कि 64 बिट ही यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी तरीका से जो कि हम लोग का जो कि अगर कभी भी अगर हम लोग यूज करते हैं तो 64 बिट ही यूज करें कोरल को। ठीक है, क्योंकि 32 बिट में काफ़ी दिक्कत होता है। ओके, एक तो कि इंस्टॉलेशन में दिक्कत होगा या बार बार करप्ट कर जाएगा, बार बार हैंग करेगा, तो ये सब दिक्कत है जो कि आप लोग का आएगा ही है, क्योंकि आप लोग का भी कुछ कमेंट आ रहा था तो हम देखे थे, तो उससे रिलेटिव है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा कोरल है जो कि यूज करना चाहिए हम लोग को, तो देखिए कोरल तो मार्केट में बहुत सारा आ गया, 21-22 तक आ गया, मगर यहाँ पे जो कि हम आपको रिकमेंड करते हैं अगर आप एक सीटीपी ऑपरेटर हैं तो उसके लिए जो कि कोरल 17 है जो कि सबसे बेस्ट है। किसी फाइल में जो कि कोई एरर नहीं आता, कोई फाइल है जो कि खराब नहीं होता, कोई फाइल में जो कि कोई चीज़ भागता नहीं है पीएस बनाते समय। और इसी में अगर कोई ऐसा सीटीपी ऑपरेटर है जो कि आप वहाँ पर अगर रिप करते हैं, वहाँ पर अगर आप पीएस के जगह पर अगर आप पीडीएफ यूज करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको और भी कोरल यूज कर सकते हैं, 18, 22, 21 आप यूज कर सकते हैं, 20 यूज कर सकते हैं, उसमें हो सकता है कि नहीं भागता होगा, क्योंकि हम पीडीएफ से आज तक हम यूज नहीं किए, क्योंकि हम जो भी आज से मतलब कि 7-8 साल आज मेरा हो गया, तो आज तक है जो कि हम पीएस ही यूज करते हैं, क्योंकि पीडीएफ में बहुत बार है जो कि कभी आरजीबी ये सब का प्रॉब्लम होता है, इसी कारण से जो कि पीडीएफ नहीं यूज करते हैं। हमें जो कि अगर पीडीएफ का मैटर भी आता है उसको जो कि हम पीएस बना लेते हैं उसके बाद यूज करते हैं, उसमें कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता न भागने का, वो रिप भी अच्छा से होता है, उसमें किसी से मैटर को जो किरकिरा नहीं आने का डर होता, बहुत चीज़ें जो कि उसमें टेक्निकली चीज़ पोर्ट नहीं होता है। ठीक है ना, इसी कारण से जो कि हम पीएस यूज करते हैं। उससे पहले आपको पता होगा कि जैसे इमेज सेटर जो फिल्म वाला जो मशीन था उस पर जो कि हम लोग ईपीएस बोलता है उसको हम लोग यूज करते थे ईपीएस बना करके, तो इस तरीका से सब अपना अपना यूज होता है, तो आप नेविगेटर पर भी यूज कर सकते हैं ईपीएस, हम लोग है जो कि पीएस यूज करते हैं। रियल केस में ऑप्शन कभी कदाल होता है कि हम लोग पीडीएफ रीप करते हैं। ठीक है ना, इसीलिए जो कि हम आपको रिकमेंड करते हैं कि 17 यूज कीजिए, 17 में जो कि आप सीटीपी ऑपरेटर काम कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ या किसी और चीज़ से अगर आप यूज करते हैं तो उस जगह पर आप यूज कर सकते हैं 20 बार, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर ग्राफिक डिजाइनर को देखा जाए तो ग्राफिक डिजाइनर के लिए देखिए होता क्या है कि आप डिजाइन तो सही में किसी में बना सकते हैं, 16 में, 19 में, 17 में, जो आपको 20, 22 जो भी आपके पास है उसमें आप बना सकते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये आ जाता है कि आप 19 में हम एक चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं, हम और भी तो नहीं यूज किए मगर 19 हम यूज किए हैं। 19 में हम एक चीज़ देखे हैं कि जो भी किसी भी तरीका के डिजाइन बना रहे हैं, बनाते बनाते कभी किसी का कॉपी पेस्ट अगर फॉर एग्जाम्पल दो को फाइल हम खोलेंगे उसमें से अगर कुछ इसमें लाना है, इसमें से कुछ उसमें ले जाना, उस सिचुएशन में 19 में हम देखे हैं कि उसमें आपको ईरर आ जाता है, उसमें एक डॉट की तरह दिखा देगा, और अगर जूम करिएगा तो वहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, जैसे जूम आउट करिएगा तो वहाँ ब्लैक का कुछ आ जाता है, तो इस तरीके का कुछ कुछ उसमें आने लगेगा। और एक चीज़ और देखें, वहाँ पर कुछ इस तरीके का ईरर हो जाएगा कि अगर वहाँ पर फाइल को पकड़ के अगर इधर से उधर करिएगा कुछ अजीब सा जो कि इधर से उधर उसमें ईरर बन जाता है, बाई डिफॉल्ट बन जाता है, लोग यूज करते हैं तो वहां से जब फाइल सेवेज करके दिया जाता है यानी 17 में या इस तरीका से, तो वहां पर भी देखते हैं कि जब 20 का 22 का 21 का जो फाइल का बनाया हुआ डिजाइन अगर सेवेज करके अगर 17 में दिया जाता है उसमें भी दिक्कत हो जाता है, उसमें कलर भागेगा, कभी जॉब भागेगा, तो इस तरीका के बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसी कारण से जो कि हम रिकमेंड नहीं किसी को करते हैं कि आप अगर आप हाँ डायरेक्ट अगर आप डिजाइन बना करके पीडीएफ बना करके अगर आप कहीं पर दूसरा जगह यूज कर रहे हैं तो उस जगह पे आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है कि कुछ लोग यूज करते होंगे उनको नहीं दिक्कत आ रहा होगा, हो सकता है मेरे साथ ऐसा होता होगा, मगर जो हम देख रहे हैं हम अपना मार्केट में इस तरीका का प्रॉब्लम बहुत जगह आ रहा है,
इसी कारण से जो कि हम और सभी कोरल को रिकमेंड उतना नहीं करते, हम 17 को रिकमेंड करते हैं कि 17 आज तक ठीक ठाक है। अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या ग्राफिक डिजाइनर को लैपटॉप यूज करना चाहिए या सिस्टम यूज करना चाहिए, ठीक है, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि देखिए इसमें दो चीज़ है। पहला चीज़ आपको ये चीज़ देखना है कि आप क्या आप एक अस्थायी जगह पर रुक करके काम कर रहे हैं या आपको कहीं बार बार कहीं शिफ्ट होना पड़ता है या कहीं जाना पड़ता है, ठीक है ना। अगर इस तरह का अगर सिचुएशन है तो आप लैपटॉप पर जा सकते हैं। अगर आप अस्थिर से यानी कहीं रूम पे हैं तो रूम पे काम कर रहे हैं या ऑफिस में तो ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप बैठ करके अगर आप काम करते हैं तो अगर आपको इस तरीका का अगर आपका वर्क है, इस तरीका का आपका शेड्यूल है, तो आपको हम 99% रिकमेंड करेंगे कि आप पीसी पे जाइए, क्योंकि पीसी ज़्यादा बेस्ट है, चीप एंड बेस्ट है, ठीक है। अगर इसी में हम लोग अगर बात कर लेते कि एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए जो कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का अगर सिस्टम होना चाहिए, तो वो है जो कि देखिए आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। मगर आपको मिनिमम अगर हम आपको रिक्वायरमेंट अगर बताते हैं तो इसमें आपको कम से कम तो 2 से 4 GB का आपको रैम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अगर एक ग्राफिक्स कार्ड है 2 GB का भी तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको कलर कम्युनिकेशन देखने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद जो कि आपको मोनीटर आपको चूज करना पड़ेगा कि मोनीटर कौन सा है। डेल का मोनीटर हम आपको रिकमेंड करेंगे। और अगर प्रोसेसर में अगर चलते हैं तो हम लोग अगर i3 भी है तो सबसे अगर लेटेस्ट जनरेशन का है तब तो ठीक है। उसके अलावा आप i5 पे जा सकते हैं, i5 फिफ्थ जनरेशन अगर आप यूज करते हैं तो इसमें जो कि आपको कोरल ड्रा सब यूज में आ जाएगा। उसके बाद जो कि फोटोशॉप आपका लेटेस्ट 2020 तक का आप फोटोशॉप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपडेट करना चाहते हैं सिस्टम को तो आप जो कि i5 नाइन जनरेशन जा सकते हैं, 8 GB रैम 16 GB रैम पे जा सकते हैं, ठीक है। DDR4 में सब आ जाएगा आपका। तो ये सब चीज़ है जो कि आपको थोड़ा अगर आप करते हैं तो आपको लेटेस्ट आपको जितना भी फोटोशॉप प्रीमियम प्रो जितना भी आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है या जितना भी आपको कोरल ड्रा ये सब हो गया सब है जो कि आपको उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब है जो कि आपको जनरेशन पर भी निर्भर करता है कि आपको कौन सा जनरेशन है, उसी हिसाब से आपका कोरल भी और सॉफ्टवेयर जो कि आपका सपोर्ट करता है, ठीक है। ये कुछ है जो कि इन्फॉर्मेशन था जो कि हम सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग का भी कुछ कमेंट था इससे मिलता जुलता, तो इसीलिए जो कि हम इसमें सोचे कि सब है जो कि आपको इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए या एक CTP ऑपरेटर के लिए कम बजट में जो कि आपको बढ़िया सिस्टम आपको कौन सा कितना कॉन्फ़िगरेशन का अगर आपको अपडेट हो जाता या इंस्टॉल हो जाता, इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो इस पे जो कि हम आपको इसका पूरा कोटेशन है जो कि बना करके हम आपको इस पे जो कि एक वीडियो बना करके देंगे, ठीक है। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते का वीडियो, आई होप आपको डिजिटल होगा वीडियो ला कीजिएगा, कुछ ज़्यादा इंस्टॉल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते का वीडियो इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाएगा।